रोजमर्रा के जिंदगी में या रोज आप जब जीते हो तो आपके पास में एक चॉइस होता है कि मैंने कैसे जीना चाहिए। देखिए अभी आप समझो बैठे हो, ये सोचो कि आपके दिमाग में क्या विचार चालू है, कौन से विचार चालू है, कैसे विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं। देखो कि आपके बॉडी सेंसेशंस क्या है, बॉडी को कैसा लग रहा है। ये भी आप अकेले बैठे हो ना, ये महसूस करो। देखो आपका मूड कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं। हो सकता है कि आप कहीं तो भी खोए हो, कुछ तो भी विचार चालू है, या फिर आप मेरे साथ में हो, मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ में हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लाइक आप बॉडी से यहां हो, बॉडी से मेरे सामने बैठे हो, और दिमाग और कहीं है, कुछ विचार चालू है, कोई इमोशंस है, कुछ एक्सपीरियंसेस है, कोई बॉडी सेंसेशंस है। हो सकता है कि आपको कोई चिंता होगी कि भाई मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी क्या बोल रही होगी, अभी कोरोना कितना आगे बढ़ेगा, कितना कहर करेगा, पता नहीं क्या होगा। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ विचार चालू हो सकते हैं या चालू रह सकते हैं। अभी आप वो विचारों में डूब जा सकते हो, या फिर आप यहां प्रेजेंट में मौजूद रह के विचार क्रिएट कर सकते हो, कॉन्वर्सेशंस क्रिएट कर सकते हो कि भाई मैं ये वीडियो को देख रहा हूं तो क्यों देख रहा हूं, मेरे देखने का मकसद क्या है, क्या मैं मेरे लिए कुछ यहां से लेके जाने वाला हूं, क्या मैं अपने कॉन्वर्सेशंस में क्रिएट कर सकता हूं, क्या मैं मुझे शक्ति देने वाले कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर सकता हूं। चॉइस मेरा रहता है। क्या होता है कि कॉन्वर्सेशंस या अफर्मेशंस क्या होते हैं, अफर्मेशंस या कॉन्वर्सेशंस ये होते हैं कि जो हम एक हमारे दिमाग में बीज बोते हैं, एक फर्टाइल लैंड है, सुपीक जमीन है, और उसमें हम बीज बोते हैं कि जो बीज हम बोते हैं तो आगे चल के उसके बड़े पौधे तैयार हो जाएंगे। तो अफर्मेशंस क्या है, अफर्मेशंस आर नथिंग बट प्लांटिंग सीड्स। कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करना मतलब क्या है, सीड प्लांट करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने मन में, ताकि वो सीड बड़े होंगे, पौधे अच्छे होंगे, सकारात्मक विचार से हम फूले रहेंगे, भरे रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, खुश रहेंगे। तो वो हमें करना है। आप ऐसा भी बैठ सकते हैं कि क्या मैं मेरे लिए, मेरे को जो तकलीफ हो रही है, वो जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, या फिर कुछ से भी बड़ा काम करने के लिए बैठा हूँ, क्या लोगों के जीवन में कुछ मैं कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए बैठा हूँ, क्या मैं कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, क्या मैं लोगों के भलाई के लिए कुछ काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं लोगों के लिए, कौन सा योगदान दे सकता हूँ। आज मैं जो सुनूंगा, मैं जो डॉक्टर केळेकर को सुन रहा हूँ, जो भी बता रहे हो वो सुन रहा हूँ, उससे क्या मैं मेरी ज़िंदगी में लेके जाने वाला हूँ, ऐसा भी आप सुन सकते हैं। तो हरदम ये देखना है कि जब आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपने प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहने का है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी आप काम करते हो उसके पहले प्रैक्टिस करो, जॉब शुरू करने के पहले प्रैक्टिस करो कि ये जो जॉब मैं कर रहा हूँ क्या इसका परिणाम, इसका प्रभाव मैं मेरी ज़िंदगी में कैसा अच्छा ला सकता हूँ। हो सकता है कि आप स्नान कर रहे हो, सकता है आप खाना खा रहे हो, सकता है आप बच्चों के साथ में हो, जहाँ भी हो आपने ये देखना है कि मैं कौन सा संदर्भ क्रिएट कर सकता हूँ, कौन सी अच्छी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो कैसी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, कैसा संदर्भ क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब खाना भी है, समझो आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको लगता है कि पानी पूरी खाना है, आपको इच्छा हो रही पानी पूरी खाने के लिए, जरा सोचो कि क्या पानी पूरी खाने का मेरा उद्देश्य क्या है, क्या अच्छा संदर्भ हो सकता है पानी पूरी खाने का। जवाब आएगा कि नहीं, मैं पानी पूरी खा रहा हूँ जस्ट मेरे टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, बाकी उससे कुछ अच्छा होने वाला है नहीं, और वो भी रोड साइड की पानी पूरी खा रहा हूँ जहाँ बहुत बड़ी धूल उसके ऊपर बैठी होंगी। कुछ भी आप किसको चिल्लाते होंगे उसके पहले क्रिएट करो कि मैं चिल्ला रहा क्यों भाई, क्यों गुस्सा कर रहा हूँ मैं, कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी करने के पहले कॉन्वर्सेशन अपने आप से करना, प्लांटिंग सीड्स सबकॉन्शियस माइंड में डालना, तो बहुत बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ तैयार हो सकता है। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आप लोगों को कैसा सुन रहे उसमें फर्क पड़ेगा, और आपके जीवन में किस तरह से खेल रहे हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें फर्क पड़ेगा। एक जीता जागता मुर्दा घूम रहा है और सर्वाइव कर रहा है, ऐसा जीना है कि नहीं भाई मैं डिफरेंस कर रहा हूँ,
ये जिंदगी में मैं योगदान दे रहा हूं, ये जिंदगी में कुछ फर्क ला रहा हूं, ऐसा जीना है, चॉइस आपका रहेगा। थैंक यू वेरी मच।